नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक हरबी साइड के ऊपर जो कि घास को उगने नहीं देता है जो कि हमारे पास है दोस्तों पेंडा मैथिलिन जिसमें कि आपका टेक्निकल जो डाला रहता है वो रहता है पेंडी मैथिलिन तीस परसेंट इसी फॉर्म में काम बहुत ज़बरदस्त है इसका बहुत फ़ायदेमंद भी है साथ ही साथ अगर सही टाइम पर इसका इस्तेमाल किया जाए बहुत सारी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आप बीज बोते हो या फिर कहीं पे प्लांटेशन आपने करनी होती है यानी कि पौधा रोपण आपने कहीं पे करना होता है जैसे आपकी खेत की तैयारी हो जाती है तो उसके बाद इसका छिड़काव किया जाता है ऊपर से यानी कि इसका ऐसा रहता है दोस्तों कि ये घास को उगने नहीं देता है अगले पंद्रह से बीस दिनों तक या पच्चीस दिनों तक अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका ऐसा टेक्निकल रहता है दोस्तों इसको यूज़ करने के बाद आपको जो है जो अनचाह घास रहता है उससे आपको निजात मिल जाती है आपकी फ़सल को जितने भी आपने जो खाद वगैरह डाला रहता है या फिर आपने जो भी जो भी फर्टिलाइज़र आपके रहते हैं ज़मीन में वो जो है सही तरीके से आपकी फसल को ही मिलते हैं जिसको आप देना चाहते हो जो अनचहा घास वगैरह आपकी फसल का जो खा लेता है जो न्यूट्रिशन खा लेता है उस चीज़ से जो है रोकथाम कर लेता है प्रोटेक्ट कर लेता है आपकी फ़सल को तो इसका इस्तेमाल दोस्तों रहता है आपकी फसल लगाने से पहले या फिर आप बीज बो देते हो जैसे आप धनिया लगाते हो तो उसका बीज आप बो देते हो उसके बाद जो है इसको तीन से चार दिन से पहले पहले ही जैसे आप बिजाई कर देते हो धनिया की मान लीजिए आज आपने धनिया बो दिया तो आज ही आप इसका ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हो कल भी इस्तेमाल कर सकते हो परसों और चौथ यानी कि चार दिनों से पहले पहले धनिया बिजाई के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें कि आपका सिर्फ धनिया धनिया ही होगेगा और बाकी या कोई घास जो है पंद्रह से पच्चीस बीस पच्चीस दिनों तक कोई भी घास और अनवांटेड नहीं होगेगा और साथ ही साथ आपका सेम प्रोसीसर ऐसा भी रहता है जैसे मैं पीछे भी दोस्तों आप देख पा रहे हो वीडियो में भी कि मैं इसको टमाटर की फसल में भी इस्तेमाल करने वाला हूँ बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल रहता है कि इसको इस्तेमाल के बाद जो है कब हम इसकी आगे प्लांटेशन कर सकते हैं तो जैसे हमने खेत की तैयारी कर ली दोस्तों आप भले गोभी लगाओ टमाटर लगाओ लगाओ शिमला मिर्च लगाओ या खीरा कुछ भी आप लगाते हो दोस्तों उससे जो है जैसे आप जैसे हमने प्लांटेशन करनी है दोस्तों तो प्लांटेशन से जो है दो दिन पहले ये मान लीजिए कि आज अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो अगले दिन हमने जो है वहाँ पे कुछ भी प्लांटेशन नहीं करना है कुछ भी वहाँ पे रोपाई नहीं करनी है उसके तीसरे दिन आप जो है वहाँ पे रोपाई कर सकते हो प्लांटेशन कर सकते हो क्योंकि अमूमन ये देखा है मैंने भी कि जैसे ही सुबह हमने जो है गोभी के वक्त भी हमने सुबह इस जो है इसका छिड़काव किया था और शाम के वक्त जो है कुछ लाइन्स में हमने गोभी लगा दी थी वहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ नहीं होती है अच्छे तरीके से जो है ग्रो नहीं करता है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है आपकी फसल जो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है उसको वो बढ़वार नहीं मिल पाती है तो इसलिए जो है कम से कम आपने एक दिन अगर आप आज शाम को स्प्रे करते हो कल का पूरा दिन आपने छोड़ना है परसों शाम को बाद ही आप जो है वहाँ पर रोपाई कर सकते हो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आगे को है जो जो है पंद्रह बीस पच्चीस दिन तक जो है कोई भी अनवांटेड घास नहीं उगता है जिससे कि हमारी निंदाई वगैरह में जो दिक्कतें आती हैं घास हमारी छंट छटाई में जो समय लगता है जो लेबर कॉस्ट लगती है उससे भी बचत होती है और जो भी आपको पता है कि जितना ज़्यादा घास वगैरह होमस उससे होता है यूनिटी वगैरह तो उससे भी जो है बीमारी लगती हैं खरपतवार होगा तो हरियाली पूरी फील्ड में आपकी रहेगी जिससे की कि कीट वगैरह भी आकर्षित होते हैं और साथ ही साथ जो है ब्लाइट वगैरह समस्या भी जो है सामने ही देखने को मिलती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा रोकथाम होती है थोड़ा सा खर्चा हो जाता है पर आपकी आगे की फसल जो है वो अच्छी चलती है तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसको जो किस किस फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है जितनी भी आपकी रोपाई की रहती है जिसको आप जो है नर्सरी अलग से सेपरेट से तैयार करते हो उन सभी प्रकार की फसलों में इसका, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बात करते हैं बीज वाली फसलों में तो बीज वाली ऐसी फसलें आपने लेनी है जैसे आपका गेहूँ हो जाता है या पालक हो जाता है वो ऐसी फसलें रहती है कि जो तीन के दिन के अंदर अंदर आपकी जो है जर्मिनेट हो जाती है उनमें आपका आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपने ऐसी फसलों में इस्तेमाल करना है जो कि लगभग चार पाँच दिनों के बाद ही जर्मिनेट करती हैं जैसे आपका मेथी हो जाती है धनिया हो जाता है मह हो जाता है उड़द वगैरह इन फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सोयाबीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो और भी बहुत सारी फसलों में इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जो सबसे सही तरीका रहता है दोस्तों रिजल्ट लेने का वो ये तरीका रहता है कि आपने एक बार पूरा का पूरा खेत की जो है प्रिपरेशन कर लेनी है यानी कि लाइने तक उसकी बना लेनी है सब कुछ सिर्फ वहाँ पर रोपाई ही करनी है अगर आप दोबारा से ज़मीन को मिट्टी को बदलते हो तो वहाँ पर आपको रिजल्ट जीरो देखने के मिलते हैं या फिर आप बार बार जमीन के ऊपर चलते हो एक बार आप छिड़काव लेते हो उसके बीच में भी आप जो है कुछ और कार्य करते हो चले वगैरह निकालते हो ड्रेन निकालते हो और भी कुछ काम करते हो तो उसमें जो है आपको शत प्रतिशत रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं आपने एक बार स्प्रे कर ली पूरे खेत की तैयारी कर ली आपने लाइनें बना ली रो बना दी स्प्रे कर दी जो भी आपने करना था सब कुछ उसमें वर्मी कंपोज वगैरह हर चीज़ मिला दी उसके बाद जो है आपने खेत में नहीं आना है सिर्फ़ रोपाई करने ही आपने सीधे आना है तभी आपको सत्य प्रतिशत रिजल्ट मिलेंगे आप अगर इसको बार बार चलते रहोगे ऊपर ज़मीन के ऊपर तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते या फिर आप उसके बाद दोबारा से जो है खेत को मिट्टी को बदल देते हो या जो देते हो तब आपको जीरो जो है उसमें रिजल्ट देखने को मिलता है अगर आप जो देते हो दोबारा तो आपने खेत को एज़ इट इज़ ही रहने देना है तभी आपने रोपाई करनी है या फिर आपने जब आप उसकी बीज डालते हो उस वक्त बीज डालने के बाद भी आपने जो है पानी कम से कम जो है वो एक हफ्ते के बाद ही लगाना है रोपाई के अगर तुरंत ही आप पानी भी लगा देते हो तब भी जो है उसमें इफेक्ट पड़ता है या बारिश नेचुरल होती है तब तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता नेचुरली जो है पर जो आपके रिजल्ट्स रहते हैं आपको इसमें चलना नहीं है और ज़मीन को बदलना नहीं है अपनी मिट्टी को बदलना नहीं है और डोज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों जो डोज़ आपका रहता है अगर आपने जो है दो दिन के बाद प्लांटेशन करनी है तब आपने जो डोज़ रहता है वो चालीस से पचास एम अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा घास उगता है और आप लंबे समय तक जो है थोड़ा जो है चार पाँच दिन के बाद रोपाई करने वाले हो या फिर जो आपकी बीज वरी फसल रहती है उसमें आप पचास एम डाल सकते हो या फिर लंबे जैसे अगर आपने स्प्रे की है तो एक हफ्ते के बाद हमने बिजाई करनी है या चार दिन के बाद जो है रोपाई करनी है तब आप उसमें जो है 60 से 70 एम तक जो है डोज ले सकते हो तो इसी के साथ उसको अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना मूल्य इसमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ